हेलो दोस्तों, वेलकम टू JW पैथ लैब। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर और उसके मेटाबॉलिज्म को बताना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा रेड ब्लड सेल्स के बारे में, जिसे हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल टाइप्स इन द ब्लड, मतलब ये ब्लड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली सेल्स होती हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ RBC इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी सेल एंड डिलीवर कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, यानी कि हमारे RBCs का फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक डिलीवर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से या टिश्यूज से लंग्स तक लेकर आती है। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स का। RBC कंटेन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आप सभी को पता है RBC के अंदर बहुत सारी संख्या में प्रोटीन होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। दिस आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स बिंड्स ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इंटर ब्लड वेजल्स इन द लंग्स, यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन है, जिसे आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आप सभी को पता है हीम और ग्लोबुलिन होता है। हीम जो है आयरन पार्ट है, तो ये आयरन में मॉलिक्यूल्स में ये क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बना के उसे बिंड कर लेता है, अपने पास बांध लेता है और फिर उसको जो है ब्लड वेजल्स में ले जाके लंग्स तक ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। नाउ दिस हीमोग्लोबिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। दोस्तों यही हीमोग्लोबिन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। द मेच्योर RBC डू नॉट कंटेन ए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, हेंस एब्सेंस ऑफ दिस सेल स्ट्रक्चर लीव्स रूम फॉर द हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन RBC। ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि मेच्योर RBC जो होता है उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ना ही राइबोसोम्स होता है। और ये सेल्स स्ट्रक्चर जब नहीं होते हैं ये सब ऑर्गेनल्स, तो पूरा सेल जो है खाली हो जाता है। इसीलिए हेंस एब्सेंस ऑफ दिस सेल स्ट्रक्चर, यानी कि इसलिए इन सभी स्ट्रक्चर के एब्सेंस होने की वजह से RBC में बहुत अच्छी खासी जगह हो जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से उसमें भर जाते हैं। नाउ इसी तरह से अब हम जान लेते हैं रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को, कि RBC का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यू RBC प्रोडक्शन की। आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, हमारे बोन मैरो से ही होता है, तो यहाँ भी होगा। लेकिन जब हमारी रेड ब्लड सेल्स अपना लाइफ स्पेन यानी कि 120 डेज पूरा कर लेती है या फिर कोई ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तो फिर किस तरह से होता है, वहाँ इस वीडियो में उसको भी समझाया गया है। तो न्यू RBC प्रोडक्शन आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, हम जानते हैं RBC के प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है, इज ट्रिगर्ड बाई लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। यानी कि एरिथ्रोपोइसिस ट्रिगर्ड होता है अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कब कम होता है हमारे ब्लड में, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ब्लड लॉस जब होता है तो भी जो है RBCs के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप जो है चले जाएंगे तो भी जो है वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और फिर वो RBC के प्रोडक्शन को ट्रिगर्ड करता है। दूसरी बात, व्हेन द किडनी डिटेक्ट लो ऑक्सीजन लेवल दे प्रोड्यूस एंड रिलीज ए हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। यानी कि जब किडनी को पता चलता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, तो वो प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है किडनी एक हार्मोन को, जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। दोस्तों अब हम डायग्राम के माध्यम से RBC के प्रोडक्शन को समझते हैं। लो ऑक्सीजन लेवल, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, किन परिस्थितियों में हो सकता है, मैंने बताया ब्लड लॉस, हाई एल्टीट्यूड, एक्सरसाइज, बोन मैरो डैमेज और या तो फिर लो हीमोग्लोबिन लेवल की वजह से ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। अब मान लिया ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है ब्लड में,
तो किडनी सेंस करेगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, उसे पता चल गया, तो किडनी रिलीज करता है फिर एक हार्मोन जिसे एरिथ्रोपोएटिन कहा जाता है। यह एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है, मतलब जाता है बोन मैरो के पास और स्पेशली रेड बोन मैरो के पास जाता है और कहता है आप आरबीसी रिलीज करिए, फिर रेड बोन मैरो प्रोड्यूस करती है आरबीसी को। अब रेड बोन मैरो आरबीसी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है तो आरबीसी जो होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, अमाउंट उसकी बढ़ जाती है, तो मोर आरबीसी इंटर इन द सर्कुलेशन, और इसीलिए आरबीसी जो है ज़्यादा आरबीसी सर्कुलेशन में जाने लगती है। अब आप मुझे बताइए, आरबीसी जब ज़्यादा जाएगी उसके अंदर हीमोग्लोबिन है तो वो हीमोग्लोबिन जो आयरन कंपोनेंट उसमें है वो ऑक्सीजन को बिंड करेगा, तो आरबीसी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ यही लिखा है कि ऑक्सीजन ओ2 लेवल इन द ब्लड एंड टिश्यू इज इंक्रीजेस। अब क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा आरबीसी जाएगी सर्कुलेशन में तो ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा ब्लड में और टिश्यूज में। अब दोस्तों अगेन जो है किडनी सेंस करेगा कि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बढ़ चुका है तो किडनी स्टॉप कर देगा या फिर स्लो कर देगा रिलीज करना एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को, और अब यह हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में या फिर स्टॉप हो जाएगा, यह हार्मोन निकलेगा ही नहीं। तो जब एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकलेगा ही नहीं तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसी जो बन रही थी तेजी से उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो इस तरह से रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। नौ दोस्तों आरबीसी स्ट्रक्चर, आरबीसी के स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो राइबोसोम, यानी कि कोई भी ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता। तो होता क्या है आरबीसी के स्ट्रक्चर में दोस्तों, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन ही होता है। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है, ओनली हीमोग्लोबिन होता है, एंड हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन विच कैरीज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। दूसरी तरफ सेल सरफेस मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन आरबीसी का होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म कंटेन नो न्यूक्लियस, यानी कि इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और इसीलिए ये अलाउ करता है मोर रूम फॉर हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर की बात करें तो बाई कॉनकेव डिस्क शेप में आरबीसी हमारी होती हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं आरबीसी सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन को, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है वो जानते हैं। द रेड सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि रेड सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है प्रोटीन 50%, लिपिड 43% और कार्बोहाइड्रेट 7%। अब इसमें जो प्रोटीन है 50% दोस्तों, ये अगेन डिवाइड हो जाता है इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो सेल मेम्ब्रेन को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, परंतु अगर इंटीग्रल प्रोटीन को डिस्टर्ब कर दोगे या तो रिमूव कर दोगे तो आपका सेल मेम्ब्रेन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन जो प्रोटीन होता है वो दोस्तों साइटोस्केलेटन बनाता है आरबीसी सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। लिपिड 43% होता है सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड भी बाईलेयर में होता है और अगेन लिपिड भी डिवाइड होता है फॉस्फोलिपिड में, कोलेस्ट्रॉल में और स्फिंगोलिपिड में। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट 7% होता है इसमें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ एंटीजन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन फॉर्म में होते हैं और आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। और प्रोटीन फॉर्म में कौन कौन से होते हैं एंटीजन, रीसस एंटीजन, डफी एंटीजन और किड एंटीजन। ये प्रोटीन नेचर के एंटीजन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट नेचर के भी एंटीजन होते हैं, जैसे कि एबीओ, पी और लेविस। ये एंटीजन कार्बोहाइड्रेट नेचर के एंटीजन होते हैं जो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन यानी कि सरफेस पे अटैच होते हैं। जान लेते हैं आरबीसी मेन सेलुलर कंपोनेंट्स होता है ब्लड का। इट इज 45% अमाउंट ऑफ होल ब्लड, यानी कि ये होल ब्लड का 45% होता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड रेड ब्लड कार्पस्कल्स और एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड कार्पस्कल्स भी कहा जाता है। लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, यानी कि इसका जो अवधि होती है जीवन की वो 120 दिन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ना ही कोई अदर ऑर्गेनिल्स होता है, तो आरबीसी माइटोसिस करके
नया आरबीसी जनरेट नहीं कर सकता है। तो ये करता क्या है, ये जब ओल्ड होता है या डैमेज होता है तो इसे रिमूव कर दिया जाता है स्प्लीन, लीवर और लिम्फ नोड के द्वारा, और मुख्यतः स्प्लीन के द्वारा, क्योंकि स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्प्लीन के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में मैक्रोफेजेस होते हैं जो इस आरबीसी को जो ओल्ड हो जाता है या डैमेज हो जाता है उसे इंगल्फ करके उसको जो है डाइजेस्ट कर देते हैं, और इस तरह से आरबीसी जो है रिमूव हो जाता है और फिर नया आरबीसी बनना आरंभ होता है। अब ये दोस्तों आरबीसी का डिग्रेडेशन यानी कि खत्म होना और एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का बनना, ये जो है सेम रेट पे होता है, कॉन्स्टेंट लेवल पे, ताकि हमारे बॉडी में आरबीसी का जो सर्कुलेशन है उसका होम्योस्टेसिस बना रहे। साइज की अगर हम बात करें तो आरबीसी 7.2 माइक्रोमीटर में होता है। शेप डिस्क से बाइकॉनकेव होता है, ये भी आप याद रखें। नॉर्मल कॉन की बात करें तो 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। शेप आप लोग देख ही रहे हैं 7.2 माइक्रोमीटर। थिकनेस की अगर हम बात करें तो 2.25 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि आरबीसी रेड कलर की होती हैं क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है, और ये हीमोग्लोबिन का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो आरबीसी को रेड कलर प्रदान करता है। नौ मित्रों, आरबीसी मेटाबॉलिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसे मेटाबॉलिक पाथवे भी कहते हैं, आरबीसी मेटाबॉलिक पाथवे। सो आरबीसी मेनली मेटाबॉलिज्म जो इसका होता है वो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के द्वारा होता है 89%। बिकॉज आरबीसी यू नो दैट आरबीसी हैव टू डिलीवर नॉट कंज्यूम ऑक्सीजन। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को डिलीवर करती है लेकिन उसे कंज्यूम नहीं करती है, क्योंकि आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस नो माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ आरबीसी मेटाबॉलिज्म, आरबीसी का जो मेटाबॉलिज्म होता है मे बी डिवाइडेड इंटू एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड थ्री एंसिलरी पाथवे, यानी कि आरबीसी का मेटाबॉलिज्म 89% एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के द्वारा होता है एंड थ्री एंसिलरी पाथवे के द्वारा होता है। ये थ्री एंसिलरी पाथवे ये हैं कि पेंटोज फास्फेट पाथवे, एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म और रैपोपर्ट ल्यूबरिन संट पाथवे, ये तीन एंसिलरी पाथवे होती हैं जिसके द्वारा आरबीसी का मेटाबॉलिज्म भी होता है। नाउ इसी वीडियो में दोस्तों आरबीसी का जो ग्लाइकोलिसिस होता है एनारोबिक उसको जो है कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछता है 5 मार्क्स में भी तो आप इस आरबीसी का स्ट्रक्चर बता देंगे, आरबीसी के मेटाबॉलिज्म को बताएंगे कि आरबीसी में एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस 89% मात्रा में होता है और तीन एंसिलरी पाथवे होते हैं। तो अगर तीन एंसिलरी पाथवे को आप जो है डिस्क्राइब नहीं भी करेंगे और इतना आप लिख देंगे दोस्तों तो आपको फुल मार्क्स मिलना ही मिलना है। दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों, सेकंड लाइन पे आते हैं, द आरबीसी इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन ग्लूकोज एज इट्स एनर्जी सोर्स, यानी कि आरबीसी अगर एनर्जी सोर्स की बात करें तो आरबीसी पूरी तरह से डिपेंड होता है ग्लूकोज पे। अब ये ग्लूकोज कौन लाने का काम करता है वो भी मैं बताऊंगा। आरबीसी के सेल सर्फेस पे GLUT1 करके ट्रांसपोर्टर होता है जो ग्लूकोज को लाने का काम करता है, ठीक है, वहां से उसके बाद ग्लाइकोलिसिस का आरबीसी के अंदर प्रक्रिया चलती है। नाउ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज ऑब्टेंड ओनली फ्रॉम द ग्लाइकोलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट, यानी कि एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में मिलती है आरबीसी को वो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है उसी के द्वारा जो है प्रोडक्शन होता है लैक्टेट का एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वहीं से सिर्फ आरबीसी को एटीपी प्राप्त होता है जिसे वो एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करता है। नौ दोस्तों, आरबीसी के मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये ग्लूकोज है दोस्तों, पहली बात आप ये जान लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है आरबीसी में वो साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज किस तरह से साइटोप्लाज्म में आएगा, ये ग्लूकोज एक ट्रांसपोर्टर होता है GLUT1 ट्रांसपोर्टर, उसके माध्यम से ये सेल सरफेस से होकर सेल मेम्ब्रेन से होकर साइटोप्लाज्म में आएगा और आने के बाद ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से 1 से लेकर 4 जो स्टेप इसमें होता है ग्लाइकोलिसिस में,
ये एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, यानी कि ये एनर्जी का यूज करता है। उसके बाद 5 से लेके जो 10th तक स्टेप होता है उसमें ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेस होता है, यानी कि एनर्जी को देता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जब हमारा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आता है तो हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है दोस्तों, जो एक एटीपी का यूज करता है और एक एडीपी रिलीज करता है और फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। उसके बाद फास्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में फास्फो फ्रक्टोकाइनेज नामक एक एंजाइम एक एटीपी का फिर यूज करता है ये, और एक एडीपी रिलीज करता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 1 से लेकर 3 स्टेप में 2 एटीपी जो है कंज्यूम हो गए हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो था वो एल्डोलेज एंजाइम के जो है उपस्थिति में ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट जिसे G3P कहते हैं और डीहाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट DHAP जिसे कहते हैं में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट और DHAP ये आइसोमेरेज होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जिसे कहते हैं ट्रायोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम 2NAD प्लस इलेक्ट्रॉन को जो है रिक्वायर करता है, उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट ये होती है 2NAD प्लस की, उसके बाद ये रिलीज करता है 2NADH प्लस 2 हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर नोट करिएगा 2NADH को ये जो है रिलीज कर रहा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट के, क्योंकि ये 3 कार्बन का होता है और फ्रक्टोज 1,6-बिस फास्फेट जो है 6 कार्बन का होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ 2NADH बनेंगे। और फिर ये जो है हमारा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट में। अब तो यहाँ पर एक और एंजाइम यूज होता है जिसे फास्फोग्लाइकोकाइनेज कहा जाता है, ग्लिसरोकाइनेज कहा जाता है। ये एंजाइम जो है 2 ADP का यूज करता है और 2 ATP रिलीज करता है और 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट को 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ 8वें स्टेप में फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम जो है उपस्थिति इसकी होती है और ये 3 फास्फोग्लिसरेट को 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से 2 फास्फोग्लिसरेट जब बन जाता है तो इनोलेज नामक एंजाइम जो है H2O को रिलीज करते हुए फास्फोइनोल पाइरुवेट PEP में कन्वर्ट कर देता है 2 फास्फोग्लिसरेट को। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट जो एंजाइम होता है वो पाइरुवेट काइनेज होता है, तो फास्फोइनोल पाइरुवेट को 2 ADP लेके 2 ATP रिलीज करता है और पाइरुवेट में फास्फोइनोल पाइरुवेट को कन्वर्ट कर देता है। सो दोस्तों इस तरह से ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। अब हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों, एनर्जी कंज्यूमिंग जो फेज था हमारा ग्लाइकोलिसिस का उसमें 2 ATP यूज हुए थे, आप देख सकते हैं। उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो हमारा ये फेज था उसमें हमें 4 ATP प्राप्त हुए, 2 ATP यहां से और 2 ATP इधर से प्राप्त हुए। तो अगर हम 4 को 2 से माइनस कर दें तो 2 ATP का जो है इस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में प्रोड्यूसिंग हुआ है, मिला है। और अगर हम बात करें NADH की, तो NADH अगर हम बात करें इस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स NADH के मिले हुए हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, NADH 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो 2.5 ATP देता है। इस तरह से 2 अगर NADH है तो कितना देगा, 5 देगा। तो नेट गेन अगर एनर्जी की बात करें हम ग्लाइकोलिसिस के RBC में तो कितना हो जाएगा, 2 ATP वहां से एनर्जी कंज्यूमिंग और एनर्जी प्रोड्यूसिंग से 4 मिला था, एनर्जी कंज्यूमिंग से 2 हमारा कंज्यूम हुआ था, माइनस कर दिया, 2 ATP बचा वहां से और ये 5 ATP NADH से मिला, तो टोटल 7 ATP हो जाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।